प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड में इतिहास विषय में पढ़ाए जाने वाले प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। बीए पार्ट थर्ड में आपके जो दो प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से लेकर 1947 तक, और द्वितीय प्रश्न पत्र है समसामयिक भारत 1947 से 2020 तक, यानी मध्यकालीन इतिहास आपने द्वितीय वर्ष में पढ़ा था, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होगा। और जैसा कि पेपर पैटर्न आप लोग फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपे पता होगा कि ए बे से तीन सेक्शन आपके होंगे, जिसमें प्रथम खंड में ए खंड में 10 प्रश्न आएंगे, लघु प्रश्न, और उसमें 10 अंक के होंगे। हर यूनिट से दो प्रश्न होंगे और हर प्रश्न एक नंबर का होगा, यानी टोटल 10 नंबर का ये आपका खंड होगा। खंड बी में हर इकाई से दो प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न को चुनते हुए, चयन करते हुए आपको 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न को लगभग आपको 250 शब्दों में लिखना होगा, और चूंकि टोटल 5 प्रश्न आपको करने हैं तो ये खंड आपका 50 अंकों का होगा। खंड सी में 4 वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, इसमें कुछ भाग भी हो सकते हैं प्रश्न में, जो सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे, और 2 प्रश्न आपको इसमें से करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना होगा। इस प्रकार कुल अंक होंगे 40, और तीनों खंडों के अंक मिलाकर हो जाते हैं 100 अंक। तो मैं विद्यार्थियों आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि जो आपका सेलेबस है उसमें हमें आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो मैंने सेलेबस ही पढ़ाना शुरू कर दिया है, हम एक यूनिट पूरा लगभग कर चुके हैं। तो जो नए विद्यार्थी ग्रुप में शामिल हुए हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि इकाई प्रथम में आपके जो विषय टॉपिक्स हैं उसमें है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया, तो उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले। सेकेंड टॉपिक है मराठों का उत्थान, और इसमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस का क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही। ये दो मराठा नेता थे और इन्होंने मराठों के प्रभाव को, प्रतिष्ठा को बनाने का प्रयास किया, तो वो उनका क्या रोल रहा। इसके बाद एक और टॉपिक है, वह मराठों का अंग्रेज़ों से संघर्ष। जब ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत भारत में हो गई तो उन्होंने मराठों के साथ उनके संघर्ष हुए, उनके साथ 3 युद्ध हुए, और 3 युद्धों के बाद में लगातार जो है मराठे जब पराजित हो गए तो मराठों को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी, और अंततः मराठा साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो मराठों की असफलता क्या के क्या कारण रहे, वो भी आपकी इसी यूनिट में आपको पढ़ना है। इसके बाद मैं बात करती हूँ इकाई द्वितीय की। इकाई द्वितीय का जो पहला टॉपिक है वो है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना तथा उसके परिणामस्वरूप शासन प्रबंध में परिवर्तन 1772 से 1773। तो विद्यार्थियों, हमने अभी पिछले दिनों में पढ़ा था प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इन दोनों युद्धों में बंगाल के नवाब की पराजय हुई और अंततः बंगाल अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। तो उसके बाद में उन्होंने शासन में क्या परिवर्तन किए, और ये युद्ध किस प्रकार हुए, क्या घटनाक्रम हुआ, और क्या कारण थे, क्या परिणाम रहे, इनकी विस्तृत चर्चा जो है हम कर चुके हैं, तो वो इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है। इसके अलावा अन्य टॉपिक है क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान, यानी अन्य जो क्षेत्रों में जो प्रांतीय शक्तियाँ थीं उनका उत्थान हुआ। तो विद्यार्थियों, हमने देखा था कि 1707 में जब तक औरंगजेब जीवित था, मुगल साम्राज्य अपने चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो उतने योग्य नहीं थे, परिणाम से मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता चला गया। तो उसके बाद जो प्रांतीय शक्तियाँ थीं उनका उत्थान हुआ, तो उसमें मैसूर, पंजाब और अवध, उनके नाम प्रमुख हैं। और जब ब्रिटिश सत्ता अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी भारत में, तो उन्होंने इन क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी संघर्ष किया। तो मैसूर, पंजाब और अवध के साथ ब्रिटिश सत्ता का क्या संघर्ष रहा, कौन कौन से युद्ध इनके बीच में हुए, जैसे पंजाब के साथ 2 युद्ध हुए, आंगल पंजाब युद्ध, और उसी प्रकार मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध हुए। अवध ने युद्ध नहीं किया, संधियां की, लेकिन अंततः 1856 में अवध का भी विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। तो इन संघर्ष के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में विलीनीकरण किस प्रकार हुआ, ये आपको द्वितीय इकाई में पढ़ना है।
इसके बाद में आती है इकाई तृतीय, और इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में आप विद्यार्थी जानते होंगे, ये भारत की आज़ादी के लिए लड़ा गया पहला संग्राम माना जाता है। रानी झांसी और बहादुर शाह जफर, बेगम हज़रत महल और नाना साहब, कुंवर सिंह आदि के नाम आपने सुने होंगे, ये सारे जो है 1857 के नायक रहे हैं। तो उन का क्या रोल रहा इस 1857 की क्रांति के, कारण क्या थे, इसकी प्रकृति की क्या थी, क्या ये नागरिक विद्रोह था या सैनिक विद्रोह था या कुछ और इसका जो है स्वरूप था, इसकी प्रकृति भी आपको पढ़नी है, साथ ही इस विद्रोह के परिणाम क्या निकले वो हमें इसमें जो पढ़ना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है टॉपिक है वह है ब्रिटिश सार्वभौमिक सत्ता का भारतीय रियासतों में विकास, यानी ब्रिटिश जो सत्ता है सार्वभौमिक सत्ता उसका भारतीय रियासतों में कैसे विकास हुआ 1858 से लेके 1947 तक, यानी आज़ादी तक। 1857 में जब विद्रोह हो गया और विद्रोह को दमन कर दिया गया उसका, तो उसके बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया विद्यार्थियों, और अंग्रेजों जो सम्राट थी साम्राज्य थी उसका शासन जो है भारत में स्थापित हुआ 1858 से। तो 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सार्वभौमिक सत्ता भारतीय रियासत में कैसे आगे बढ़ी वो इसमें हमें बतानी है। इसके बाद हम आते हैं किसानों के ऊपर। विद्यार्थियों, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश प्रारंभ से ही रहा है, और किसानों के साथ जो है कर वसूलने के लिए उस समय कर लगान जो है राजस्व का एक प्रमुख साधन होता था, स्रोत होता था। तो अंग्रेजों ने किसानों के साथ अनेक जो है संबंध स्थापित किए, ये राजस्व संबंधी नियम स्थापित किए। तो वो बंदोबस्त क्या थे, उसमें तीन प्रमुख बंदोबस्त थे। स्थाई बंदोबस्त जो कि बंगाल में लागू हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, भू राजस्व प्रबंध, और उनका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सोच सकते हैं कि सरकार ब्रिटिश थी, विदेशी सरकार थी, तो निश्चित तौर पर चाहे स्थाई बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महालवाड़ी, इसमें स्थायी बंदोबस्त में जो है किसानों के साथ 10 साल के लिए बंदोबस्त कर दिया गया और तय कर दिया गया कि उनकी आमदनी कितनी भी हो उनको इस साल कर दिया जाना है। लेकिन वो इतना ज़्यादा लगभग कहा जाता है कि किसानों की आय का 89% जो है भाग कर के रूप में वसूल लिया जाता था। इसके अलावा ये स्थायी बंदोबस्त में जमींदार भी शामिल थे, तो उनसे किसानों के फायदे की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और जहाँ तक रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रबंध है, तो ये सीधे किसानों के साथ किया गया था। महालवाड़ी, इसमें एक गांव यानी महाल को इकाई माना था, और महाल वाले गांव वाले इकट्ठे होकर अपनी जो है भू राजस्व चुकाते थे, और अगर कोई एक नहीं दे रहा तो उसको दूसरे का उसे देना होता था। लेकिन चूंकि औपनिवेशिक सरकार थी, तो निश्चित तौर पे उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करें। विद्यार्थियों, आप अभी भी देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर किसान आंदोलन अभी भी चल रहे हैं। किसानों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, किसान उससे सहमत नहीं हैं और वो अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो उस समय क्योंकि विदेशी सरकार थी, तो सड़क पर उतर नहीं पाए थे, लेकिन इन तीनों ही बंदोबस्त में कम या ज़्यादा किसानों का शोषण निश्चित तौर पर हुआ। अब मैं बात करती हूँ इकाई चतुर्थ की। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है धन का निष्कासन एवं उसके परिणाम। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। विद्यार्थियों, आपने ये चीज़ जो है सुनी होगी। तो भारत आर्थिक रूप से समृद्ध देश था प्राचीन काल से ही, मध्यकाल में भी विदेशी व्यापार इसका इतना ज़्यादा था कि आर्थिक रूप से वो काफ़ी संपन्न माना जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसकी संपन्नता को ग्रहण लगा दिया, और उन्होंने जो है इस प्रकार की नीतियां अपनाई, आर्थिक नीतियां, कि भारत का धन जो है विदेश जाने लगा, और इसी को धन निष्कासन कहा जाता है। तो ये धन निष्कासन किस किस तरीके से किया उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने, और उसके परिणाम क्या निकले वो हमें इसमें देखना है। इसके बाद में प्रश्न आता है, टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश सरकार का आर्थिक प्रभाव, जैसा कि मैंने कहा साम्राज्यवादी सत्ता थी, तो निश्चित तौर पर आर्थिक प्रभाव भारत के खिलाफ थे, भारतीय लोगों के खिलाफ थे, और इसके काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भारत पर आर्थिक रूप से पड़े। अब हम बात करते हैं, जब ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो धीरे धीरे जो है भारतीय राष्ट्रीय रूप से चेतना जागृत हुई और भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। तो राष्ट्रीयता के उदय के लिए विद्यार्थियों अनेक कारण उत्तरदायी हैं। बीसियों कारण हैं, परिस्थितियाँ थी, जैसे 1857 की क्रांति
जो है असफल रही, लेकिन उसने भारतीयों को आगे संग्राम करने की प्रेरणा दी। इसी प्रकार यातायात के साधनों का विकास है, साहित्य का विकास, भाषा का विकास, और अनेक जो है किसान आंदोलन हुए, जनजाति आंदोलन हुए, ये सारे जो है, या ब्रिटिश सरकार का दमन, अनेक राजनेताओं का उदय, ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे भारतीय राष्ट्रीयता का उदय हुआ। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक अखिल भारतीय संगठन अस्तित्व में आया। अब ये जो है आगे चरण बढ़ता है राष्ट्रीय आंदोलन का, और राष्ट्रीय आंदोलन को भी मोटे तौर पर दो तीन भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में। एक तो नरम दल, इसमें गरम दल की भूमिका क्या रही राष्ट्रवाद के उदय में। नरम दल जो है 1885 से लेकर 1905 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का काल है उसे नरम दलीय काल कहा जाता है। उसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इनको गरम नेता, उग्र नेता कहा जाता था। और इन्होंने जो है, इनकी नीतियाँ थोड़ी उग्र थी, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, स्वदेशी आदि का नारा दिया। और आपने सुना ही होगा कि बाल गंगाधर तिलक का तो नारा ही था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो गरम दल और नरम दल की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रही, और नरम दल वालों की नीतियाँ नरम थी क्योंकि उस समय राष्ट्रीय संगठन बना ही था, ब्रिटिश सत्ता बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी, तो उस समय की परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि उन्होंने नरम नीतियाँ अपनाई। इसके बाद एक और जो धारा थी हमारे इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में, वह थी क्रांतिकारियों की। क्रांतिकारियों ने उग्रवादियों से भी बढ़कर हिंसा को साथ चलकर, हिंसा को जो है माध्यम बनाकर अपना जो है राष्ट्र जो है अधिकार मांगने की कोशिश की। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियां कौन सी थी, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान आदि अनेक नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने जो है, सूर्य दत्त सेन, इन्होंने हमारे जो है क्रांतिकारी धारा को आगे बढ़ाया। तो इसकी चर्चा इस टॉपिक में हमें करनी है। इसके बाद आते हैं कि भारत में संविधानिक सुधार की मांग लगातार की जा रही थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो ब्रिटिश सरकार ने जो दो कानून बनाए थे भारत सरकार के, 1919 और 1935 का अधिनियम, तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसकी चर्चा हमें इस टॉपिक में करनी है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वो है हमारा इकाई, पाँचवीं इकाई जो सबसे लास्ट इकाई है इस पेपर की। उसमें पहला जो टॉपिक है वह है 1920 से लेकर 1947 के मध्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि प्रथम विश्वयुद्ध जब समाप्त हुआ और उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व 1920 में महात्मा गांधी ने संभाला, और 1947 तक लगभग उन्हीं के हाथ में राष्ट्रीय आंदोलन की कमान रही। तो इस दौरान आंदोलन कौन कौन से हुए, जिसमें आप देखते हैं 1920 का असहयोग आंदोलन है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, और खिलाफत आंदोलन है, गोलमेज सम्मेलन, यानी जो जो गतिविधियां इस दौरान हुई 1920 से 1947 के बीच, इसकी चर्चा हमें इसमें करनी है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वह है सांप्रदायिक राजनीति का विकास। एक त्रासदी ये रही कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो है सांप्रदायिकता ने प्रवेश किया, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और धीरे धीरे जो है ये क्रम आगे बढ़ता चला गया और अंततः भारत का विभाजन हुआ। तो सांप्रदायिक राजनीति के विकास में मोहम्मद अली जिन्ना की क्या भूमिका रही, मुस्लिम लीग का क्या रोल रहा, इसकी चर्चा इस टॉपिक में हमें करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है हमारा, वह है भारत के विभाजन और भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व, यानी भारत का जो विभाजन हुआ वो क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, और उसी प्रकार भारत की जो स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो उसके मददगार कारण कौन से थे, कौन से उसके सहायक तत्व थे जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, तो ये इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, मैंने एक संक्षिप्त जो है आपके सामने रूपरेखा रखी है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट जो है प्रश्न पत्र का, और उसमें से हमने पहला यूनिट पूरा कर चुके हैं। वीडियो आप देखें, उसमें आप देखेंगे पहला यूनिट पूरा हो चुका है। उसके बाद सेकेंड यूनिट का भी फर्स्ट टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आप सिलेबस नोट करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और आपको जो भी कुछ समस्या हो तो आप जो है अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी समस्याओं को सामने रख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका जो है समस्याओं का हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।